को भी, और कहीं ना कहीं जो काउंटर अटैक है स्काउट ने यहाँ पे ओपनिंग की जो बात रहती है वो यहाँ पे शायद दिलाने में थोड़ी सी यहाँ पे कामयाबी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे गॉब्लिन की बात करें तो फिनिश ऑफ भी करना पड़ेगा। प्रोन का जो स्नाइप रहता है वो थोड़ा स्लो प्रोन होते हैं देख रहा हूँ, और आई थिंक बीच में अपडेट है। ग्रेनेड की बात की जाए तो यहाँ पे जरूर से टाउन पॉइंट अमन को डाउन करेंगे, अमन काउंटर अटैक में यहाँ पे आदि को डाउन करेंगे। एग्जैक्टली ये होता है एक फाइट जब आप डाउन कर रहे हो, जवाबी पारी में आप किस तरीके से उनके मेंबर को डाउन करें ये एक बड़ा सवाल रहता है। गॉब्लिन को तो फिनिश ऑफ भी किया जा चुका है, आदि वहां पे नॉक है। न्यू की बात करें तो बैक फायर के लिए जा रहे हैं, कवर फायर देना चाहते हैं। लेकिन स्काउट की बात करें जो ब्रोकन बॉल में हम लोग को देखने को मिले थे एग्जैक्टली इस पॉइंट से यहाँ पे तो मुश्किल थोड़ा सा हो सकता है। वाइपर की बात करें वन सेकंड यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, अमन ऑलरेडी टेक डाउन है। तो कहने की सिचुएशन इज 2v2 नाउ। रिवाइवल अगर यहाँ पे आदि को दे दिया जाता तो मैंने कहा इनसे पास नाइन एडवांटेज आ सकता है, बट उतना टाइम अलाउ नहीं करेंगे टीम सोल। सोल की बात की जाए तो वन सेकंड यहाँ पे वाइपर यहाँ पे बात की जाए, उनको रिवाइवल देना पड़ेगा। जल्द से जल्द अमन को रिवाइवल मिल चुका है, ब्रोकन बॉल से थोड़ा पीछे की तरफ अपने आप को लेके जा रहे क्योंकि पता है एक गलती इनको भारी पड़ सकती है। बट स्काउट नहीं रुकेंगे यहाँ पे, थॉमसन के साथ ब्लास्ट प्लान करने का जो सेट है प्रोग्राम है वो यहाँ पे प्लान कर चुके हैं। जमकर के यहाँ पे स्प्रे कनेक्शन मिलेगा, सीधा हेडशॉट वहां पे दिया गया। हेडशॉट इतना ज्यादा परफेक्ट था कि उसके बाद जो डैमेज थी वो एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि आप जब स्प्रे कर रहे हो हेड चेस के लिए जो कोशिश रहती है उसमें आपको कामयाबी जब प्राप्त हो जाए तो आप पूरी कॉन्फिडेंट के साथ